वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पृथ्वीराज मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर को फाइनली यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। और ट्रेलर देखने के बाद जो पर्सनली मुझे लगा कि ट्रेलर की जो जान है, जो सबसे अच्छी चीज है, वो है दोस्तों अक्षय कुमार की एक्टिंग। बिलीव मी, ट्रेलर के अंदर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग रही है, स्पेशली जो इस सीन में वो डायलॉग्स बोलते हैं और उनका जितना भी एक्शन सीन था यार, वो मुझे नेक्स्ट लेवल लगा है। स्पेशली अक्षय की एक्टिंग इस मूवी को बहुत ऊपर लेकर जाने वाली है। बात करें ट्रेलर की, तो दोस्तों ट्रेलर की ड्यूरेशन थी ऑलमोस्ट 2 मिनट 53 सेकंड, मींस के 3 मिनट का दोस्तों ये ट्रेलर था। और ट्रेलर देखकर पता चलता है कि मेकर्स ने इस मूवी पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया है। मूवी का बजट है ऑलमोस्ट 300 करोड़, और बिलीव मी ट्रेलर के अंदर लग रहा है कि 300 करोड़ का बजट है, क्योंकि वॉर्स चल रही होती हैं, जंग्स चल रही होती हैं, जो इनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा मेकर्स ने पैसा लगाया है। बात करें अगर हम प्रेजेंटेशन की, मींस की क्लाइमैक्स की, सब चीज़ों की, तो दोस्तों मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा है। लेकिन अगर बात करें स्टोरी लाइन की, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है स्टोरी लाइन इस मूवी पे, क्योंकि इस मूवी में हमें दो एस्पेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। एक तो दोस्तों अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज की, मींस की जो लव लाइफ होने वाली है, लव लाइफ पे स्टोरी को घुमाया जाएगा। दूसरी दोस्तों होगी सुल्तान के साथ जंग। अब ये दो चीज़ें ये लोग मूवी के अंदर कैसे घुमा के हमें पेश करते हैं, हमें दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। अगर ट्रेलर की हद तक रहें तो यार ट्रेलर में ये चीज़ काफ़ी अच्छी दिखाई गई है। अगर पर्सनली बताऊँ तो कुछ नया नहीं था, बिलीव मी कुछ नया नहीं था, क्योंकि इस टाइप की ऑलरेडी मूवीज, ऑलरेडी बहुत सारी वेब सीरीज हमने देख रखी हैं। तो डिपेंड कर रहा है इस मूवी की स्टोरी पे। अगर तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी अच्छी हुई तो बहुत ऊपर निकल जाएगी ये मूवी। बात करें मूवी ट्रेलर की एक और अच्छी चीज़ की, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेलर आपको सारा पता चल गया है, मीन्स कि ट्रेलर में आपको सारी स्टोरी लाइन दिखा दी गई है, तो नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिखाई गई। जैसे दोस्तों इस मूवी की कास्ट में अली फजल भी हैं, जिनका ट्रेलर में कोई भी रोल नहीं दिखाया गया। जी हाँ, मैं देख रहा था कि यार अली फजल का कोई रोल हो, मुझे तो नहीं नजर आया। अगर आप में से कोई रोल नजर आया हो तो जरा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तो इसके अलावा भी काफी ऐसी चीजें हैं जो ट्रेलर में हमें मेंशन नहीं की गई। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि दोस्तों मुझे ट्रेलर में मिसिंग लगी है, वो है VFX और विजुअल्स। नो डाउट दोस्तों, ऐसी जो जितनी भी मूवीज होती हैं, जो जिनमें वार होती है, इनमें VFX का काम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन पृथ्वीराज का ट्रेलर देखते वक्त मुझे ज्यादा फील नहीं हुआ कि इस मूवी में VFX कुछ एडवांस डाले गए हैं। नो डाउट ट्रेलर में VFX हैं, लेकिन एडवांस VFX नहीं दिखाए गए, मींस के एडवांस जो होता है ना, एडवांस लेवल में बहुत ज्यादा एक्शन इंप्रूव हो जाता है, तो वो हमें देखने को नहीं मिला। मे बी मूवी में उसको अच्छा किया जाए। नेक्स्ट दोस्तों, सोनू सूद और संजय दत्त और इसके अलावा जो एक्ट्रेसेस थी, सबकी एक्टिंग मुझे ठीक लगी ट्रेलर में। मूवी पे डिपेंड करता है कि वो इस मूवी को कितना ऊपर लेकर जा सकते हैं। खैर, आप दोस्तों को क्या लगता है कि ट्रेलर कैसा था, अच्छा था, नहीं था, मूवी कैसे होने वाली है, हिट होगी या नहीं होगी? लेकिन मुझे इतना कंफर्म पता है कि इस मूवी को जो चीज ऊपर लेकर जाने वाली है, वो है अक्षय कुमार की एक्टिंग और एक्शन सीन। आप लोग क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। ये थी अभी तक की छोटी वीडियो, आपको पसंद आई होगी। अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज।